हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के, मतलब 12 बजने वाले हैं। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ नेल पेंट, क्योंकि मुझे अभी नेल पेंट लगा रही हूँ मैं। और अभी मुझे एक मेकअप लुक क्रिएट करना है, उसके लिए मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं लगा कर रखती हूँ। तो मेकअप लुक क्रिएट करना रहता है, जब ही लगाती हूँ फिर छुटाती रहती हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आदत है पता नहीं क्या मेरी, कि लगाने के बाद उसको निकालते रहो। तो अभी मुझे मेकअप लुक क्रिएट करना है, इस वजह से मैं लगा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो नेल पेंट लगा लेती हूँ। तो मेकअप लुक क्रिएट करने से पहले मैं नेल पेंट इसलिए लगाती हूँ ताकि वो अच्छे से सूख जाए, फिर मैं अपना सारा काम आगे का कर सकूँ। और बाद में नेल पेंट लगाओ ना, तो वो गीला गीला रहता है, हर जगह चिपक जाता है। तो इसको मैं अच्छे से लगा लेती हूँ, और जब ये अच्छे से सूख जाता है तो उसके बाद फिर मैं अपना मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ। तो चलिए अभी मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, और इसके बाद फटाफट से अपना मेकअप लुक भी क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े तह लगाने। मैंने यहाँ पर बाबू के कपड़े निकाले हुए हैं, ये देखिए। और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही, हल्की हल्की बारिश हो रही। तो मुझे लगा कि मुझे कपड़े निकाल लेने चाहिए। कुछ तो ये मैंने रखे हुए हैं, ये देखिए, यहाँ पे सिराने के पास, और कुछ नीचे पड़े हुए हैं, ये देखिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे ही हैं। और कुछ सोफे पे पड़े हुए हैं, थैले में, काफी बड़े बड़े थैले में हैं। तो इन सबको मुझे तह लगाना है, मुझे रखना है। मैंने कहा ये सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर एक एक करके सभी का करूँगी, पहले बाबू का, फिर अपना, फिर इनका, क्योंकि इनको लास्ट में। और मुझे सबसे पहले ठंड लगती है, बाबू को भी नहीं लगती है, लेकिन क्या है ना कि बच्चे हैं, तो बच्चे के लिए तो पहले ही कपड़े निकालने पड़ेंगे सर्दी वाले, क्योंकि उनको पहले ही ठंड लगती है, और हमें तो बाद में लगती है, लेकिन मुझे सबसे पहले लग जाती है। पता नहीं कि अभी से मेरे हाथ पर इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं ना, कि मैं क्या बताऊँ। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी भी एक दो स्टॉल निकाल लेनी चाहिए, लेकिन थक गई थी मैं। बाबू वाला ही बेड मैंने खोला था, सारे बेड में मैंने एक एक में अलग अलग सबके रख रखे हैं, एक में अपना, एक में बाबू का, एक में इनका। तो सभी के कपड़े अलग अलग ही हैं, इस वजह से आज मैंने बाबू वाला ही खोला। तो अभी मुझे इनको सेट करना है, तो उसमें ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चले चलिए पहले मैं इनको सेट कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। तो गाइस, सारे कपड़े मैंने तह लगा के साइड में रख दिए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और मैंने अभी लगाई है थोड़ी सी कोल्ड क्रीम, और आईब्रो को थोड़ा सा फील कर लिया, बिंदी सिंदूर, बस बाल को मैंने ऐसे समेट लिया। आऊँगी तो मैं कॉम करूँगी, खाना बनाकर आऊँगी, और मुझे बहुत सारे कॉमेंट का जवाब भी देना है। ये मेरा कितना प्यारा लगता है ना, ये मैंने खुद से बनाया था। पहले बहुत ये सारी चीज़ें चलती थी, तो टाइम रहता ही था, तो क्या करें घर में। और मेरे टेडी को देखिए, मेरे बराबर का हो गया है, क्योंकि कपड़े के तह के ऊपर रखा हुआ है, जहाँ मैंने कपड़े, ये देखिए, कुशन वगैरह साइड में लगा देती हूँ, क्योंकि बाबू क्या है ना, फेंकने लगती है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, खाना बनाकर आऊँगी। तो मैं आप लोगों के साथ आज रेसिपी शेयर करूँगी सूरन की सब्जी की, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को खानी थी सूरन की सब्जी। उन्होंने बोला कि आज यही बना लो, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। रोटी तो नॉर्मल है, रोटी तो सभी जानते हैं, और चावल बनाऊँगी। देखते हैं, अगर रसेदार बनाऊंगी तो चावल बनाऊंगी, रसेदार नहीं बनाऊंगी तो चावल नहीं बनाऊंगी। सब्जी बनाकर आटा लगाकर रख कर आऊंगी, फिर आप लोगों से बातें करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई करना है, कमेंट का जवाब देना है, तो इसी वजह से। और चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और मेरा ट्राईपॉड थोड़ा सा आज खराब हो गया, तो मैं क्या करूंगी ना, इसको हाथ में ही लेकर वीडियो बनाऊंगी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप लोग मैनेज प्लीज कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से खाना बनाकर आते हैं, फिर आप लोगों से आराम से बैठकर बातें करती हूँ, ठीक है, चलें। तो गाइस, ये देखिए, सूरन को मैंने कट करने के लिए रख दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा नमक डालकर उबालूंगी, और जब ये पक जाएगा तो मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो चलिए इसको पका लेते हैं अच्छे से, ठीक है। और अभी मेरा सूरन मतलब कि पक चुका था, उबल चुका था, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा तेल डाला, और सरसों का तेल डाला, और इसी में इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, फिर इसी में अपनी सब्जियाँ भी छौंक दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने इतने सारे सूरन फ्राई कर लिए, अभी कुछ मेरे फ्राई हो रहे हैं। तो चलिए अब सब्जी के लिए तड़का दे देते हैं। तो जो मेरा तेल बचा हुआ था, उसी तेल में मैं, ये देखिए, जीरा मैंने ऐड कर दिया है, और जीरा जब चटचटा जाएगा तो मैंने इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल दिया। अब इसको अच्छे से मैं चला लूँगी, जब ये ब्राउन हो जाएगा तो
भाई अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तभी मैं इसमें जो मैंने प्याज है मेरे, मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है, मैंने प्याज को पीस लिया है मिक्सी में। तो अभी ये देखिए हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया है और थोड़ा सा ये और लाल हो जाए जब भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना प्याज वाला पेस्ट। तो चलिए ये अच्छे से लाल हो गया, तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपना प्याज वाला पेस्ट। ये देखिए, तो अभी मैं इसको डाल के अच्छे से चला लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। खोल लें, तो ये देखिए मैंने प्याज को डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अभी ये अच्छे से मिक्स भी हो चुका है और इसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा जब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। तो अभी अच्छे से ये देखिए ब्राउन भी हो चुका है, तो थोड़ी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बीच बीच में। तो जब ये ब्राउन हो गया है और इसके बाद मैंने टमाटर को काट लिया था, मैंने यहाँ पे दो छोटे छोटे सॉरी तीन छोटे छोटे टमाटर लिए हैं और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी ढककर। जब ये गल जाएगा जब मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए हमारा टमाटर गल चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मसाला। आप जो भी मसाला खाते हो आप डाल सकते हो नॉर्मली, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया एवरेस्ट मसाला, यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो इसको हम थोड़ी देर पका लेंगे, मसाला को भून लेंगे। तो अभी मसाला लगभग पक चुका है, तो थोड़ा सा और पकाने के बाद फिर मैं अपना इसमें सूरन जो मैंने बॉईल किया था फ्राई किया था उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए मसाला मेरा कितने अच्छे से पक चुका है और अब चलिए हम इसमें सूरन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी नहीं लगाई है, आप चाहो तो इसके बाद ग्रेवी भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सूरन की सब्जियाँ डाल दी हैं, तो मैं 5 मिनट बस पकाऊँगी क्योंकि हमारी फ्राई जब मैंने किया था तो आधी तो फ्राई हो ही चुकी थी। और अब मैं इसमें नमक के कुछ देर के लिए पका लूंगी 10-15 मिनट, फिर उसके बाद हमारी सूरन की सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी सूरन की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। तो मैं यहाँ पे धनिया डालना भूल गई थी, आप धनिया डाल लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ग्रेवी लगानी है तो आप ग्रेवी लगा के थोड़ी देर पका कर उतार लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। गाइस अभी अभी मैं खाना बना के आई हूँ और खाने की रेसिपी मैंने आप लोगों को दिखा भी दी है। खाने में मैंने बनाया जैसे कि सूरन की सब्जी, क्योंकि सूखी बनाई है, दो तीन लोग हैं तो दो तीन लोगों में क्या इतनी सारी बनाना। और पहली बात तो ये मैं जो जो मैं बाबू के ठंड के कपड़े मैंने निकाल रखे थे तो उससे मैंने तह लगा के एक साइड में रख दिया है, क्योंकि उसे मैं अभी अलमारी में नहीं रखूँगी क्योंकि बेड में ऐसे मैंने निकाले जो जितने कपड़े होते हैं मेरे बाबू के पापा के, तो सारे कपड़े मैं बेड में डाल देती हूँ और उसी में से फिर मैं निकाल लेती हूँ। जब हम मतलब कि बेड में डालते हैं तो उससे पहले एक बार उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, यानी कि साबुन से जिससे हम धुलते हैं उससे धुल कर फिर रख देती हूँ। तो मैं उसको ऐसे भी नहीं रखती, मैं पॉलिथीन में थैले में ही करके रखती हूँ क्योंकि गंदे हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हम निकालते हैं तो कपड़े इजी में और जो ऐसे नॉर्मली होते हैं, तो इसी तरीके से सारे कपड़े धुलकर ही हम फिर अलमारी में डालते हैं। तो सारे कपड़े मैंने नीचे इसीलिए रख रखे थे क्योंकि मुझे उसे अलमारी में नहीं डालना था, इस वजह से अब मैंने उसे तह करके रख दिए। तो इकट्ठे इतने सारे कपड़े धोने में भी प्रॉब्लम होती है, तो थोड़े थोड़े करके मैं सारे कपड़े उसके धुलूंगी क्योंकि घर में भी पहनने वाले हैं, आने जाने वाले हैं। और अभी उनमें से मुझे छांटना है, पहनाकर जब वॉश कर लूँगी धुल लूँगी जब मैं देखूँगी कि उसको कौन से कपड़े हो रहे हैं और कौन से कपड़े नहीं हो रहे हैं, तो उस हिसाब से ही कपड़े देखने हैं। तो इसलिए सारे ही कपड़े धुलने पड़ेंगे और धुलने के बाद ही मैं उसे पहना कर देख पाऊँगी कि कौन सा कपड़ा हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले ये तो हो गई कि कपड़ों की बातें मैंने आप लोगों से कर ली, और तो उसको मैंने इस तरीके से रख दिया। तो अब एक एक कर कर मुझे धुलना है। तो एक चीज़ मैं और आप लोगों से बोलना चाहती हूँ डियर, कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, मेरे हस्बैंड को वो पसंद है, तो सभी चाहते हैं कि जो उनके हस्बैंड को पसंद है वो वही चीज़ें करे, खाने में वही बनाए, पहनने में वही कोशिश करते हैं। ऐसा होता है सभी, और तो इंसान तैयार क्यों होता है, रेडी क्यों होता है, हस्बैंड के लिए होता है ना कि अच्छे से तैयार हो जाए, हस्बैंड के लिए ये सारी चीज़ें इंसान करता है। तो हम किसके लिए करते हैं, उन्हीं के लिए तो करते हैं ना, खाने की चीज़ें जो कोशिश हर औरत यही करती है, हर शादीशुदा औरत यही कोशिश करती है कि खाने में वो बनाए जो हस्बैंड जी को पसंद है। अगर आप ऐसा करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे साथ भी वही चीज़ें हैं कि मैं कोशिश करती हूँ जो मेरे हस्बैंड को पसंद है, क्योंकि उनको खाने का ज़्यादा शौक है, पहनने का शौक उनको नहीं है, तो इसी वजह से सारी चीज़ें वो
खाने पे ही डिपेंड करती हूँ उनके, पहनने पे नहीं। तो मुझे खाने के अलावा मुझे खाने का भी शौक है, पहनने का भी शौक है। और अधिकतर ऐसा होता है कि जो खाने में उन्हें पसंद है वही चीज़ें मुझे भी पसंद आती हैं। उन्हें चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो मुझे भी वैसे ही चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो उनको जो पसंद है तो मैं वही कोशिश करती तो मैं वही बना सकूँ। तो आप लोग बोलते हो सारी चीज़ें हस्बैंड की पसंद की करती है, सारी चीज़ें हस्बैंड की पसंद की करती है। यार हस्बैंड की पसंद की ही तो करूँगी, और किसकी पसंद की करूंगी आप बता दो। अच्छा तो जो मेरे हस्बैंड को पसंद है वही तो करूंगी। एक बंदी बोल रही है, मैडम जी बोल रही हैं कि तेरे पास तो कोई काम धाम है नहीं, तू सारी चीजें जब देखो हस्बैंड हस्बैंड लगाए रहती है, तेरे हस्बैंड की चलती है, तेरी तो चलती ही नहीं घर में, तेरे हस्बैंड की चलती है, तेरी क्या औकात है तेरे हस्बैंड के सामने। तू तो लव मैरिज करके आई है इसलिए दब के रहती है, तुझे खुल के रहना भी नहीं मिलता है, तू कुछ कर नहीं सकती अपने घर में। अच्छा अगर मैं कुछ कर नहीं सकती तो मैं आज यूट्यूब पर नहीं होती, आज उनके ही वजह से, उनके उनके ही कहने पर आज मैं यूट्यूब पर हूँ। ठीक, ऐसा कुछ होता तो आज मैं यूट्यूब पर नहीं होती। मेरे हस्बैंड की चलती, मेरी तो कुछ चलती नहीं यार। क्या जहाँ उनकी चलनी होती वहाँ उनकी चलती, जहाँ मेरी चलनी होती वहाँ मेरी चलती है। वो मुझे समझते हैं, मैं उनको समझती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैं उनके कहने पे चल रही हूँ, उनके लिए खाना बना रही हूँ, उनको जो पसंद है वो चीज़ें कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि मेरी कुछ चलती नहीं है, मैं दबके रहती हूँ। ना ही मैं दबके रहती हूँ, ना ही मैं चलाना चाहती हूँ। तो हम दोनों बस यही है कि एक दूसरे को समझते हैं। वो मेरे लिए बहुत सी कोशिश करते हैं कि मैं खुश रहूँ, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें उन्हें अच्छी लगती वो मैं करने की कोशिश करती। हर हस्बैंड वाइफ यही कोशिश करती हैं कि वो एक दूसरे को खुश रख सके। आप लोग भी जो शादीशुदा होंगे, जो ये व्लॉग देख रहे होंगे, वो यही कोशिश करते होंगे मेरे हस्बैंड मेरी वाइफ खुश रहे। तो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड की चलती, मेरी तो चलती नहीं है, मैं सारा दिन काम ही करती रहती हूँ। और क्या बोलूँ मैं यार, ऐसे ऐसे लोग हैं कि क्या क्या बोल जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझे दबा कर रखते हैं? अरे यार हद है, आप लोगों की सोच कैसी है, सोच बदलिए, हद है आप लोगों को। मुझे तो हैरानी होती है कि आप लोग क्या क्या सोचते हो। मैं यहाँ पे गुस्सा भी नहीं हो रही, मुझे हंसी आ रही कि आप लोगों की थिंकिंग कैसी, आप लोगों की सोच कैसी है। सोच बदलिए, नजरिया बदलिए। तो खैर ज़्यादा मुझे आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं थी, जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप लोगों को लगता है तो लगे, लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे बताना चाहिए, आप लोगों के सामने ये चीज़ें लानी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये बातें रखी। ठीक है, सुन लिया आप लोगों ने क्या हकीकत है? और कुछ सुनना चाहते हैं? तो देखा डियर आप लोगों ने कैसे कैसे इंसान है, कैसी कैसी सोच है, क्या बताऊं मैं आप लोगों से। तो चलिए बस, बातें भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं, तो अभी काफ़ी काम बचा हुआ है, तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर देती हूँ, दूसरा ब्लॉग मुझे स्टार्ट करना है। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सूरन की सब्जी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।